नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एमएसएमई सेक्टर। व्हाट इज़ एमएसएमई सेक्टर, ये आज काफ़ी चर्चा में है। लॉकडाउन 4.0 से पहले आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 20 लाख करोड़ का वो पैकेज है, 20 लाख करोड़। और इस इतने बड़े पैकेज, ये 20 लाख करोड़ लगभग देश की जीडीपी का 10% है। देश की जो जीडीपी है उसका 10% का पैकेज अनाउंस किया है, 20 लाख करोड़। ठीक है, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो आखिर ये सेक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस कर रही है, हम जानेंगे आज। नमस्कार, तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, पढ़ते हैं। जो एमएसएमई एक्ट पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर एंटरप्राइजेज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दो टाइप की कंपनीज होंगी, या तो वो प्रोडक्शन कर रही होंगी, या तो वो प्रोडक्शन कर रही होंगी, या फिर वो सर्विसेज दे रही होंगी। ठीक है, दोनों ही टाइप की जो कंपनीज हैं उनको एमएसएमई बोला गया है। कब, कोई क्राइटेरिया होता है इसका कि कितना लिमिट है उसकी कैपिटल की, ठीक है ना, कंपनी का टर्नओवर कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में आएगी, माइक्रो में आएगी, स्मॉल में आएगी या मीडियम में आएगी। उसके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर, उसके जो कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर के अंदर आएगी। द बिल इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन फॉर ऑल एमएसएमई। अंडर द बिल ऑल MSME, whether they are manufacturing or services providing enterprises, will be classified on the basis of their annual turnover. बहुत important है कि जो भी MSME है, चाहे वो services दे रही हो, चाहे वो दे रही हो manufacturing goods, ठीक है, जो उनका annual turnover है उस पर depend करता है कि MSME sector में वो कहाँ classify होगी, वो micro में होगी या वो small में होगी या वो medium में होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो नई डेफिनेशन अभी निकली है, जो अभी पैकेज अनाउंस किया गया है मोदी सरकार में, तो उस पैकेज के अनुसार उसको बोला गया पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। तो वहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, वहाँ पर जो लिमिट रखी है, वो ये दी गई है कि माइक्रो यूनिट्स वो होंगी जिनमें जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा और टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़। जिन कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा उसको हम बोलेंगे माइक्रो यूनिट्स, जिन कंपनी का टर्नओवर होगा 50 करोड़ तक का उनको बोलेंगे हम स्मॉल यूनिट्स, जिनका टर्नओवर होगा 100 करोड़ तक का उनको बोलेंगे हम मीडियम यूनिट्स। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये हमने देखा, ये लिमिट दे दी है इसकी, जिनका यहां तक का होगा टर्नओवर उसको वैसे क्लासिफाई कर देंगे और फिर डिफाइन करेंगे। ऐसा किया क्यों है, जिससे कि और ज़्यादा कंपनीज भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएं और उनको जो सरकार ने पैकेज अनाउंस किया उसका लाभ मिल सके, इसलिए ऐसा किया गया है। दोस्तों एमएसएमई सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एक्सपोर्ट में भी, जो हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है भारत देशों में, उसमें भी ये मैक्सिमम शेयर कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार एमएसएमई सेक्टर को पड़ी है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर जो कि फॉर्मलाइज भी नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, वो सब बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये सेक्टर बूम करेगा तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसको बूस्ट करने के लिए, इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। तो दोस्तों यहाँ हमने समझा कि व्हाट इज़ एमएसएमई सेक्टर और ये देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आज हमने जाना। आपको समझ में आया है तो क्या, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत अगर आपको है, कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।